वही अभी अपन आ गए हैं बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, दी फेमस। अभी दिखाता हूँ, ये है जी इंडो पाक बॉर्डर, जो कि मेरे घर से नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए, पहले ये रास्ता हुआ करता था इस साइड से, अब ये नया बना है। जब से वो कॉरिडोर खुला है ना इंडिया पाकिस्तान का, करतारपुर का, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। वाह यार, बहुत बारिश आ गई। बारिश आ रही आगे। वाह यार, कितना वधिया बनाता है। ये सारे खेत हैं, आगे पाकिस्तान है इसके। अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले पुराना रास्ता वो हुआ करता था, आगे से जाते थे छोटा, ये बना भाई खतरनाक है। ये जो रास्ता जा रहा है ये है इंडिया पाक बॉर्डर, करतारपुर साहब, जो अभी एक कॉरिडोर खुला था पीछे रिसेंटली, सो वहीं पे जा रहे हैं। ये मेरे गांव में ही है डेरा बाबा नानक। ये है जी मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप पाकिस्तान जाते हो। ये है सारा अंदर, जब कोई वीज़ा वगैरह लगवा के आप सीधा सामने, वो इमिग्रेशन यहाँ पे होता है। इमिग्रेशन होता है ना, इमिग्रेशन होता है यहाँ पे सामने, इमिग्रेशन होता है ना वहाँ। हाँ, इमिग्रेशन। अभी हम अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम बाहर से आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हम तो लोकल्स हैं, दैट्स ओनली रीज़न, हमें यहाँ तक भी अलाउड अलाउ कर देते हैं। ओए होए, कितना ज़बरदस्त बनाया है यार, वेरी गुड। सो ये आ गए अपन पुरानी चौकी, जो LOC है। वेलकम टू पाकिस्तान। वो देखिए सामने बोर्ड का गवाह है। अच्छा, वो ये सामने LOC है, इसके आगे है पाकिस्तान। ठीक है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, वो सामने इनका ना इमिग्रेशन का सेंटर है वहाँ पे। अभी दूसरे कैमरे से आपको दिखाऊंगा मैं, वो सामने है इनका इमिग्रेशन सेंटर, यहाँ से होते हुए जो जाते हैं वीज़ा लगवा के वहाँ पे मत्था टेकने के लिए, तो वो फिर वहाँ पे जाना होता है उन्होंने, आगे से फिर बसें आती हैं और सीधा निकल जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता था पहले, यहाँ पे सिर्फ ये तो था ही नहीं, ये छोड़नी होती थी, एक आगे होती थी पाकिस्तान की, इसके आगे। ठीक है, वो शायद नहीं, वो आगे है शायद, यहाँ पे रनिंग किया करते थे अपन, यहाँ पे आगे ना, और यहाँ पे ये पिलर्स लगे हुए हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो खेत हैं सारे, ये सारे हमारे इंडियंस के ही हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं। ठीक है, वो जो पिलर्स दिख रहे हैं ना आपको वाइट सा, ये एक्चुअल में है, इसके आगे पाकिस्तान है, इस साइड जो है वो इंडिया की ज़मीन ही है वो। तो यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक टाइमिंग होती है, BSF वाले टाइमिंग फिक्स करते हैं कि सुबह 9 बजे जाके 3 बजे आपने वापस निकलना है, अपने जो खेत हैं वो आप कर लो काम जो भी करना है, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। चलो अभी वापस चलते हैं, यहाँ तो मैं पता नहीं हज़ारों बार आ रखा हूँ, तो तभी इतने हमें कुछ लग नहीं रहा।
लो जी आ गए हैं डॉक्टर साहब के घर, फ्रेंड है हमारे एक यहाँ पे गांव में ही, तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सामान वगैरह लेने। भाई अभी आ रखे हैं अपन रेडी मार्केट क्रिस्टल चौक के सामने, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे, लाइक कम से कम मेरे को लग रहा है कि 20-25 स्टॉल्स होंगे। और यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टॉल आए लक्की सर फिश एंड चिकन पॉइंट। यहाँ पे मैं अभी सेकंड टाइम आया हूँ, पहली बार जब आए थे तो काफ़ी साल पहले आया था। अभी हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे, ये है मटन सीख कबाब विद बटर माली रोटी। यह मटन, ये क्या भाई मटन कटलेट है जैसे मटन चाप और इसके साथ में रुमाली विद बटर और प्याज चटनी। पहले भाई खाते हैं ये मटन सीख कबाब के साथ रुमाली रोटी। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं बहराम। अमृतसर से मैं निकल गया था काफ़ी टाइम पहले और जलंधर से मैंने बाइक उठाया, तो यहाँ पर रास्ते में रुका मैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो अभी यहाँ से मेरे को जाना है एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर और है। बाकी नेचर देखे गया है, क्या व्यू आ रखा है यहाँ पे, बारिश के बाद ऐसा वेदर हो। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गया था, सो डिसाइड किया कि रास्ते में बलाचौर में ना रुकूँगा कहीं पे दोबारा कॉफ़ी पीने के लिए। सो यहाँ पे ना शिवालिक है, उसके हुशियारपुरियाँ ढाबा से बिल्कुल पहले आता है, तो वहाँ पे रुका हूँ अभी कॉफ़ी। और साथ में यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बहुत फेमस है और इनकी बर्फी बड़ी फेमस है, वो भी लेके जाएंगे। अभी तो खा रहा हूँ ब्रेड पकौड़ा विद कॉफ़ी तो ऐसी है ना स्पेशल, यहाँ पे ये कॉफ़ी पीने के लिए रुका हूँ मैं। अदरवाइज सीधा निकल के पी के कॉफ़ी और खा के थोड़ा सा निकलते हैं, फिर वापस सीधा चंडीगढ़ में जाएंगे। फाइनली पहुंच गया घर, काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 बज गए मेरे को घर पहुंचते, क्योंकि रास्ते में बारिश होने लग गई थी तो रुक गया था रास्ते में, रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज़ सारा सामान मेरा बैग में पड़ा हुआ था, माइक वगैरह। सो फाइनली पहुंच गया हूं, अभी रेस्ट करूंगा, कल ड्यूटी भी जाना। आई होप कि आप सबको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख के अच्छा लगा होगा, जिन्होंने नहीं कभी देखा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आप सबको पसंद आई होगी, अगर आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मीनवाइल स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे सैनिटाइज्ड, बाय बाय।